Melbourne. Melbourne guys, thank you very much for being there, for supporting our movie. And where is aur kahan London bhi to tha na? London. I think it's London. London. Hey London. Thank you very much. Okay. तो जैसे आप जानते हैं कि हमारे इस फिल्म का जो लीडर है वो है साजिद नाडियाडवाला साहब. जोरदार तालियां साजिद नाडियाडवाला के लिए. इसका इसका और मेरा रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है. हम दोनों साथ में पाठशाला साथ में जाया करते थे. पाठशाला अच्छा जब तक स्कूल में रहे तब तक समझ नहीं आएगा. अच्छा 600 कैरेक्टर हैं और ये स्कूल बैग में दफ्तर लेके बिल्कुल. तो हम मैं और ये साथ में पाठशाला जाया करते थे. हम दोनों 255 नंबर की ट्रेन मतलब बस पकड़ते थे. और आज देखो हमारी जर्नी कितने कितने कितनी फिल्में हो गई तेरी मेरी 12-15. क्या बात कर रहे हैं. मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इनकी वजह से मेरा किचन चलता है. इन्हीं की वजह से मेरा किचन चलता है. मेरे घर वालों की मेरे बच्चों की पढ़ाई होती है. सबके सब का सब बिजली का बिल भरते हैं ये हमारे. तो चलिए ये तो रहे हमारे नाडियाडवाला साहब और साथ में रितेश देशमुख जिनके साथ मैंने पता नहीं कितनी फिल्में की हैं. इनके साथ हमेशा दुख सुख सब बांटता हूं मैं. इनके साथ बैठ के बातें बातें करता हूं. बहुत मेरे अच्छे करीबी मित्र हैं. फिर साथ में बॉबी साहब हैं. इनके साथ मैंने करीबन 3 फिल्में पहले कर चुका हूँ. दोस्ती अभी और वतन अब हम अब तुम्हारे हवाले वतन साथी साथी और साथ जो है दो कृति. मैंने आज नाम सही बोला है नहीं तो हमेशा गलत बोलता हूँ. कीर्ति बोल देता हूँ लेकिन आज सही बोला है. पिक्चर में जहाँ पे कीर्ति थी वहाँ पे कृति निकल रहा है. हाँ वहाँ पे कृति निकल रहा. ये सुंदर सुंदर लड़कियाँ इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. पूजा एक ही पूजा एक ही पूजा. और अब मैं आपको मिलाना चाहता हूँ एक ऐसे इंसान से जिसकी वजह से हमारी ये जो हाउसफुल 4 है मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड खत्म हुआ उसके बाद फोर्थ पे आए वो एक ऐसे इंसान है. आ जाओ फोन पे मत रहे. इसके बिना हाउसफुल बिल्कुल अधूरी है. ये हमारी ये प्लेट में सॉस रख लो अगर पास्ता ना हो तो खाएं क्या. ये हमारी अन्नपूर्णा है सब. ये वही चीज है. बहुत ही दिलचस्प इंसान है. इनके अंदर इतना इतना चुटकुला भरा हुआ है भर भर के. अब आपको आखिरी पास्ता जी एक चुटकुला सुनाएंगे. मैं मम्मी है. He's joking. I'm not joking. Thank you. तो जैसे आप जानते हो कि साजिद भाई अक्षय भाई और रितेश भाई ने एक मिनट के लिए दिया याद रखना. ओके. कि मुझे अबे चार टाइम बर्दाश्त कर रहे हैं इस पिक्चर में और आपको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा बिकॉज पास्ता का तो डबल रोल है. एक है पहला पास्ता और फिर आखिरी पास्ता. बहुत मजा आया वर्किंग विद सच ब्यूटीफुल गर्ल्स बॉबी अक्षय रितेश एंड थैंक यू साजिद भाई. थैंक यू फरहाद भाई फॉर टॉलरेटिंग मी. और डबल धमाल होने वाला है इसमें. थैंक यू जी. वास्को डी गामा मेरा मामा. अबे कोई जगह दो यार इसको. टाप लो. आर यू सीरियस. नहीं मैडम यू डोंट गेट अप. मैडम इतनी इज्जत नहीं उसको. ओके अब आपसे आपको एक और ऐसे इंसान से मिलाऊंगा. ये जितना भी आपने जो ट्रेलर देखा इतनी खूबसूरती से ये जो पिक्चराइज किया गया है जिस हिसाब से मतलब ये बड़े बड़े इन्होंने फिल्म बनाए हैं. जो कैमरामैन साहब है हमारे
मैं इनको बुलाना चाहूँ. सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? पहले पूछ लेता हूँ, फिर शक्ल तो दिखा दो. कौन सी फिल्में की आपने पहले बताइए सबको. जाने वन मेरी नहीं बाकी बॉर्ड भी. पद्मावत. पद्मावत और बाजीराव मस्तानी. अरे कोई नहीं मारेगा बोलो. This was great fun. I hope you guys enjoyed it. और कोई? अरे मेरी बेबी वाली जो फिल्म थी बेबी, वो भूल गए. वो भी इन्होंने किया है मेरे लिए. ये बहुत ही लकी कैमरामैन है ये. मतलब मैं आपको बताता हूँ कि इस फिल्म के अंदर आप जरा कैमरामैनशिप देखना, जिस हिसाब से इन्होंने किया है काम. मतलब एक पूरे फ्रेम का जो लास्ट कोना होता है ना, वो भी आपको साफ साफ नजर आता है. ये इनका काम है. भले आर्टिस्ट नजर आए ना आए, लेकिन पीछे का कोना जरूर नजर आता है इनका. थैंक यू सुदीप दा, और इंशाल्लाह इसके आगे आप बहुत सारी फिल्में करते रहेंगे. थैंक यू साजिद भाई. ओके सो अब हम आगे चलते हैं. अब हमारे डायरेक्टर साहब को बुलाते हैं. डायरेक्टर साहब फराज साम जी. फराज जी कुछ कहेंगे आप? इट्स एन ऑनर, इट्स अ प्लेजर. हाउसफुल 4 बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बिकॉज फ्रेंचाइज जितने सीक्वल्स आते रहते हैं उतना प्रेशर. इवन ओनली साजिद नाडियाडवाला एंड मी, हम दोनों को पता है जो प्रेशर हम लोग को. आई होप ये ट्रेलर देख के वो प्रेशर हम जस्टिफाई कर सके. हम लोग ने मेहनत की है, हिम्मत की है, कोशिश की है. जस्ट वेटिंग कि आप फिल्म देखें और सर आए. दैट्स इट. और अगर आप नाम भूल जाओगे तो कैप पे लिखा है. एक्चुअली वो टेंशन में थे इसलिए खुद का नाम भूल रहे थे तो टोपी पे लिख लिया. और इधर आओ फराद. अब हो गया. ओके अब वक्त आया है कि हमारे प्रोड्यूसर साहब साजिद नाडियाडवाला साहब इनको ऊपर बुलाएं और इनसे कुछ. ये वैसे आपको बता दूं बातचीत करते नहीं है ज्यादा, लेकिन आज इनको हम जबरदस्ती करेंगे कि कुछ दो शब्द बोलें, क्योंकि यहाँ मीडिया भी है, यहाँ इतने सारे लोग हैं, कैमरा है. तो साजिद साहब आइए. कहाँ से शुरू करूँ? आप शुरू कर सकते हो फॉक्स से. 1975 से हम लोग साथ में एक ही बस में जाते थे. मैं आपको बता दूं एक और बात, ये मेरे एक साल आगे थे. आप बताइए जब मैं करीबन छठी क्लास में था तो ये मेरे एक साल आगे था, ये सातवीं में था. लेकिन जब मैं दसवीं में पहुंचा तो ये 3 साल आगे था. बताइए क्यों? क्योंकि मैं 2 साल फेल हो गया था. हम लोगों ने एक ही बस में ट्रेवल किया, 255. और वहां से इनको पता था कि मैं प्रोड्यूसर हूँ, क्योंकि उस टाइम भी मुझे लगता है बस का बिल मैं ही भरता था टिकट. फिर उसके बाद हम लोग, हमारे बच्चे भी एक ही रूम में पैदा हुए, 2-3 दिन का डिफरेंस में. अब एक स्कूल में थे और अब हम एक बिल्डिंग में रह रहे हैं. इससे ज्यादा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता. और हमारे पास सेम गाड़ियां भी है. सेम गाड़ियां. और ये बताएं कि ये इत्तफाकी बात है, ये नहीं है कि हम प्लान करते हैं कुछ. ये कसम से बाय गॉड इत्तफाकी बात है कि हमने जो कुछ भी किया है, मुझे पता नहीं ये क्या कर रहा है, मुझे इससे पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन इत्तफाकी बात है काफ़ी मिलजुल रहा एक दूसरे के साथ. सो ही इज वन ऑफ द मोस्ट लकीस्ट प्रोड्यूसर फॉर मी एंड आई विश हिम अ लॉट ऑफ लक. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू ऑल द गर्ल्स, ऑल द गाइस. इट्स वेरी डिफिकल्ट फिल्म टू मेक. एक सोलो फिल्म बनाना आज बहुत मुश्किल होता है, बट टू गेट ऑल एंड टेक ऑल द एक्टर्स ईगो इट्स नॉट इजी. बहुत डिफिकल्ट होता है. कौन सा ईगो? किसकी ईगो? टू सेटल देम, टू पैसिफाई देम, इट्स नॉट इजी. आप लोगों को पता भी नहीं चलता है आप लोगों का एटीट्यूड क्या होता है. तो बट थैंक गॉड वी हैव डन अ ग्रेट प्रोडक्ट. आई एंजॉय मेकिंग. वी ग्रोन अप ऑन राजकुमार कोहली काइंड ऑफ फिल्म्स, जहाँ 8-8, 6-6, 9-9 एक्टर्स होते थे. So we have enjoying this and I hope you all enjoy this film and we are successful again. Thank you. And now
जिनकी वजह से फिल्म बन पाई, जिन्होंने पैसे दिए, द स्टूडियो, द फॉक्स, जय धनवान, जिन्होंने की कोई परेशान कोई परेशानी नहीं की थी हमें, विजय साहब। कुछ सब गए हिंदी में, नहीं हम अंग्रेजी में बात करने वाले हैं। आई रियली वॉन्ट टू थैंक ऑल द मीडिया एंड ऑल द फैंस एंड इन पर्टिकुलर वी गॉट lots of supporters in Melbourne, Dubai and London who've all sort of put that everything aside to be a part of this very very important film for us. Let me tell you, at Fox we are really proud to be associated with Houseful 4. It is a mad comedy, it is the Diwali film, and as Fox we've had some of our most successful films with Akshay as Mission Mangal and with Sajid as with Chichore. So thank you very much once again, and really, really excited to be part of this absolutely amazing talent lineup. You don't get to see this in Bollywood very often. Aur ab, before the media starts asking questions, ek aise insaan, matlab hum sab chahenge ki sabka luck jo hai unki tarah rahe, aur unki wajah se matlab chale gaye. To main kyun bula raha hu? Tu bezam jata luck bhi rahega. कहाँ है? नहीं। चले गए? चलो छोड़ो। मनीष। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, एंड अब बारी है मीडिया के क्वेश्चंस की। अभी कुर्सियां मिलेंगी, ऐसे ही रहना? सर ने मंगाई है सर, सर बाजू से लेके आए हैं, यहाँ खत्म हो गई थी, सर ला रहे हैं। सिंहासन लेके आओ प्लीज। हेलो, ओके, रेडी रेडी, कम ऑन, सर आप रेडी हैं कि नहीं? वो ऑलरेडी रेडी हैं क्वेश्चन के साथ सर। हाय सर, दिस साइड, कम चंकी, कम एक सेकंड चंकी, जल्दी आ, अरे भाई क्वेश्चन जल्दी। ओके, रेडी फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन? यस मैम। हाय अक्षय दिस साइड, हाय आई एम अंकिता फ्रॉम पीपिंग मून, आई हैव अ क्वेश्चन। इट्स बीन एन ईयर सिंस मी टू बिगन विद हाउसफुल 4. What changes have you seen in the industry? Okay, what changes? What? Sorry, I didn't get the question. It's been a year since Me Too began with Houseful 4. What changes have you seen in the industry? Well, there have been a lot of changes. Kafi changes aaye hain. Okay, Zenobia, what are you doing? Can you just relax? Okay, so there has been a lot of changes. अभी जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैंने फिल्म बनाई मिशन मंगल, एंड जब फिल्म शुरू की थी हमने, एंड इन एवरी अदर कंपनी व्हाट आई नो, इवन इन साजिद नडियाडवाला कंपनी एंड इन एवरी प्रोडक्शन नाउडेज देर इज अ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफिसर्स, दे ऑल देयर एंड दे मेक श्योर दैट नथिंग गोज रॉन्ग, दे आर देयर टू टेक द कंप्लेंट्स, दे नो एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग. So there has been a lot of security done, and we don't want any kind of misbehaving happening or any kind of thing. So aise kai sari cheeze hain jo ki hui hain is waqt filhal. Yeah. So one more thing, Sajid Khan has reportedly directed 60% of Houseful 4. Why isn't he sharing any credit with Farhad Samji? Well, you're right, 60% he has directed it, but I'll tell you another thing also, that this call is a studio call.
And that is how it is going to happen now. Let me say that they have to take the call, what is going to happen and what not going to happen. Akshay sir, your center, Rahul here from the Filmi Charcha. सबसे पहले तो मिशन मंगल के लिए सर बहुत बहुत सक्सेस के लिए बधाई सर. जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम के रन मशीन माने जाते हैं विराट कोहली, ऐसे आप बॉलीवुड के आप सर बॉक्स ऑफिस मशीन बन चुके हैं सर. हर इसके पीछे सर सीक्रेट क्या है कि आपको पता होता है कि ये फिल्म 100 करोड़ पार जाएगी, आप वही फिल्म हाँ बोलते, सीक्रेट क्या है इसके पीछे सर? मैं ज्यादा करके आप में से पता नहीं कितने लोग इस बात में हाँ पे हाँ डालेंगे, लेकिन मैं मानता हूँ कि 70% लक होता है, 30% हार्डवर्क होता है. मैं उस सोच विचार का इंसान हूँ, तो 70% मैं मानता हूँ लक की वजह से, तो मैं यही समझता हूँ. सर ये चौथी सीरीज है हाउसफुल की, इससे पहले 3 सीरीज आ चुकी है, चारों सीरीज में बहुत कुछ बदला है सर, डायरेक्टर बदले हैं, कहानी बदली है, एक्टर्स बदले हैं. अगर नहीं बदली हाउसफुल में तो सिर्फ 2 पिलर अक्षय कुमार रितेश देशमुख और वो मेन चंकी 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 जी 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 वो पिलर नहीं है. नहीं नहीं पिलर ही है सर. वो क्या फर्नीचर है. तो सर ये बदलने के बाद आप लोग पुराने एक्टर्स को कितना मिस करते हैं, आप सर अक्षय कुमार और रितेश सर? देखो हमेशा पार्ट रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, हमेशा हम उनके बारे में सोचते हैं, बात करते हैं, वो हमेशा पार्ट रहेंगे. बल्कि मैं और नाडिया एक दिन यही सोचे थे, ये एक हाउसफुल बनाएंगे जब वापस सबके सब मिलेंगे, वापस सबके सब मिलेंगे, क्योंकि वो तो पास वो ये कह सकता हूँ नाडिया और मैं बात कर रहे थे कि वो हमारी एवेंजर्स रहेगी, कॉमेडी एवेंजर्स. दोनों कीर्ति और पूजा जी आपसे सवाल था. अक्षय सर के बारे में आपको तो पता ही है, वो प्रैंक स्टार के लिए अच्छे जाने जाते हैं, हर शूटिंग में वो करते हैं प्रैंक के लिए सेट पे प्रैंक करते हैं. तो आप तीनों ने क्या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा प्रैंक आप लोगों के साथ हुआ, क्योंकि हमेशा करते हैं वो? आई थिंक थैंक्स टू हिम हम तीनों के हाथों में गोबर था एट वन पॉइंट. उन्होंने एक दिन हम लोग सेट पे बैठे हुए थे तो बस बातों बातों में बोला तुम्हें अपनी किस्मत के बारे में क्या लगता है, तीनों लड़कियों से पूछा. And that's how the prank started, and it was all done in great spirit. So let's make that very clear. But yeah, he is one of the funniest people we worked with, and very respectful and very funny, very very. Okay, एक जांच शुरू करें, मतलब आगे बढ़ने से पहले एक एक मीडिया वाले एक प्रश्न पूछे, भगवान का वास्ता है, तीन तीन लेके आया, वो तीन लाता है. Okay. अक्षय बाजी here on the left. अक्षय बाजी here on the left. यहाँ पे. This is Simran Singh from First Post and congratulations to the team. Within 9 years, this is the 4th film. So, मेरा सवाल आपसे ये कि जैसे आप पिलर हैं, रितेश जी पिलर हैं, चंकी जी पिलर हैं, साजिद भाई पिलर, वैसे एक और पिलर थे वो साजिद खान जो इस फिल्म के डायरेक्टर जिन्होंने हेल्प की थी. But in future, will you work with him again? Well, देखिए, if he's सब कुछ ठीक रहा, if he's acquitted with everything, I mean, which I don't know what has happened exactly, and if he is. After that, surely I will. रितेश जी आपके ठीक सामने, हाय. हाँ सर. यू नो कल हमने आपको एक डिफरेंट अंदाज में देखा एंड आज हम यहाँ पर आपको एक डिफरेंट अंदाज में देख रहे हैं. कभी आप तलवार निकाल लेते हैं, कभी माइक, यू नो और क्या क्या निकाल लेते हैं. पहला सवाल सर, अनफॉर्चुनेटली आप जैसे सवाल नहीं निकाल पाता. शायद पुनर्जन्म जी, शायद अगर आप पुनर्जन्म लेंगे, अगर आप जर्नलिस्ट बनेंगे तो ऐसे सवाल निकाल लेंगे. नहीं सर, फिर भी नहीं करूंगा. यू नो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिंग करते हैं आप, मतलब अक्षय जी जब बॉबी देओल ये ऐसे तीनों महारानियां आपके सामने रहती तब आप ऐसे एक्टिंग निकाल लेते हैं या कुछ वर्कशॉप करना पड़ता है आपको? नहीं, एक्चुअली क्या था कि जब इन्होंने किरदार लिखा है, जब इतने होनहार लेखक इतनी अच्छी तरह लिखते तो एक्टर्स को बहुत कम करना पड़ता है क्योंकि लाइनें इतनी अच्छी होती है, एंड देन दे गाइड यू कि एग्जैक्टली उसको कैसे करना पड़ता है. एंड सो ऑल थैंक्स टू द राइटिंग एंड द डायरेक्टर दैट हैज हेल्प मी डू दिस.
But what I said was in good spirit, so if it hurts you, I'm damn sorry. No, it's okay. But I have to say that jitna nazakat aur ada Ritesh mein hai, hum tino mein hai. Like, mujhe, I'll have to come to take classes from Bangdu Maharaj. अच्छा एक आखिरी सवाल आप तीनों महारानियों से हैं यू नो कि अगर हाउसफुल जब आई थी एंड नाउ हाउसफुल फोर सो आप लोग को लगा था जब आपने हाउसफुल देखी होगी कि हम एक दिन हाउसफुल फोर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे लाइक हाउसफुल तब तो मुझे यही नहीं पता था कि मुझे एक्टर बनना है वो तो बहुत मतलब आई थिंक तब से अब तक काफ़ी कुछ बदला है बट इट्स वेरी वेरी सरियल एंड स्पेशली फॉर मी कमिंग बैक to working with Sajid Nadarwala sir who's launched me. I think this is the best way I could have come back working with him at home with a great franchise like Houseful 4. Pooja ji? Yeah, I don't think mujhe kabhi laga tha ki main Houseful karne wali hu because like she said, I never thought I would be an actor. But I think जो आपने 1, 2, or 3 हाउसफुल देखा ये बहुत ही अलग है इवन सिंपल थिंग्स जैसे कि हम राजकुमारियाँ बहुत ही लाइक वी आर वॉरियर प्रिंसेसेस यू नो तो हम एक्शन कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं फिल्म में एंड आई थिंक इट्स समथिंग दैट सो यूनिक दैट आई गॉट टू प्ले पास्ट लाइफ एंड प्रेजेंट लाइफ इन वन फिल्म सो इट्स गोना बी यूनिक आप कुछ कहना चाहेंगे कृति खरबंदा जी Houseful is probably my most favorite comedy franchise film. I can't believe sometimes that I'm a part of it. जब पहला poster आया था, for me it was a moment of pride. मैंने mom को सबसे पहले WhatsApp पे भेजा before I posted it online saying, "Ma, I can't believe I'm in Houseful." It was a very emotional moment for me. Apart from that, I think all I'd like to say is, of course, every movie is special, but Houseful definitely it ticks something off my bucket list, and I. Find it a matter of great deal to have worked with such lovely people and period drama bhi kar liya household bhi kar li 2-in-1 ho gaya hamara to akshay ji ek aapke theek samne inki list ek ek aakhri sawal mera aapse you know aapne kai baar bataya hai ki jisse aapne acting seekhi hai jo aapke guru hain wo hai mr amitabh bachchan ji haali mein unhe jo hai dada saheb phalke award ke liye unka naam aaya hai to agar aap apne kuch beautiful alfaz unke liye kuch agar aap keh sake ritesh ji aapse bhi bobby ji please ji main unko phone karke keh dunga hamare liye video bhai sir kar lunga beta kar lunga main this side Hello, Akshay sir. This is Surya here from Bollywood Crazies, and there is one question, sir. Hi, this is here. Yeah, Akshay sir. Yeah, my question to you is like, इस तरह की comedy genre थोड़ा आजकल कम आ रही है, और comedy फिल्में थोड़ी कम बन रही है. ऐसे में एक unique concept लेकर इतनी बड़ी फिल्म बनाना कितना difficult रहता है as an actor के लिए दो अलग-अलग role करना और makers के लिए इस तरह की फिल्म जस्टिफाई करना एक बड़ी फिल्म बनाना ताकि ऑडियंस को पसंद आए बिकॉज द ट्रेलर वाज माइंड ब्लोइंग क्या जैसे सबसे पहले शुक्रिया कि आपको ट्रेलर अच्छा लगा दूसरी बात है एक शेर दिल चाहिए होता है इतनी बड़ी फिल्म बनाना जो कि हमारे साथ फॉक्स हैं हमारे साथ साजिद नडवाला है इन्हीं का शेर दिल है जो इतनी बड़ी बड़ी फिल्म बना लेते हैं और मुश्किल बहुत रहता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं बहुत सारी चीज़ें रहती हैं बहुत सारे इतने एक्टर्स को लेके उनको एक फिल्म के अंदर पिरोना वो बहुत ही मुश्किल रहता है लेकिन अगर जितने भी आर्टिस्ट और जितने भी टेक्नीशियंस खेल के काम करें तो इस मुश्किल का पता नहीं चलता बहुत आसानी से निकल जाती है ये फिल्म करीबन 8-9 पहले ही ख़त्म हो गई थी उसके बाद VFX की वजह से वक्त लगता है VFX को जैसे आप जानते हो क्योंकि जैसे आपने VFX देखे हैं तो और ये वरना तो ये हमारी फिल्म मुझे लगता है हमने करीबन ना करीबन 60 या 70 दिन के अंदर खत्म कर दी थी तो बहुत जल्दी खत्म कर दी इसको साजिद सर दिस साइड सो इन द आपका माइक बंद है हमें आ रहा है Okay, just one thing. After this question, we'll be shifting to the international media also. Just a few questions to them, and we'll be coming back to us. And Manish, Anji sir. After this, इनके साथ फिर I would request हमें से that 2-3 questions to for the people behind if they can they want to ask also. Absolutely, absolutely. I think they'll be more than happy. Sajid sir, this side. So in the
yeah, in the last 3-4 months, you have delivered 2 blockbuster films, Chichore and Super 30, and now this looks another blockbuster film. So how do you do this, and how excited are you for the film? Same what Akshay said, it's all luck, right time, right place, right mind. इन्होंने 70 बोला, मैं 90 बोलता हूँ परसेंट ऑफ लक, मेरे लिए एटलीस्ट. अक्षय जी हियर. इस फिल्म के बाद आप पृथ्वीराज बनने वाले हैं, तो क्या इसका कितना असर पृथ्वीराज पर रहेगा, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट जॉनर की फिल्म है और ये बिल्कुल डिफरेंट जॉनर की. और दूसरी बात है कि पिछला वाला प्रश्न भूल जाऊं फिर आप ही को पूछूंगा, वापस बताओ. एक एक करके पूछ लो, आप दो पूछ लो लेकिन एक एक करके. हाँ, वापस बताइए क्या. इस फिल्म के बाद आप पृथ्वीराज बनने वाले हैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी की फिल्म में, तो इस फिल्म का असर उस फिल्म पर कितना पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं है इसमें. ये बहुत अलग फिल्म है, वो बहुत अलग फिल्म है. इस फिल्म के बीच में और उस फिल्म के बीच में करीबन 4 और आ जाएंगी फिल्में. जी, और इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल, चूंकि आप इसमें राजपूत बने हैं, तो क्या कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके किरदार में कुछ ऐसी फनी चीज हो जो करनी सेना को वो ना भाए? प्लीज आप रहने दें मैडम. आपको शांति अच्छी नहीं लगती मुझे. कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम. ओके, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा, ऐसे कुछ ना करें. ओके, अच्छी भली आपकी इंडस्ट्री चल रही है, आपने जबरदस्ती कुछ करना है ये सब? नहीं, नहीं, नहीं. है? क्या फायदा, घर जाएंगे खेल हंसते खेलते, क्या फायदा. क्या बात है, बहुत बढ़िया. वेल सर, अक्षय सर, एंड विद दैट आई थिंक विल बी शिफ्टिंग टू द इंटरनेशनल मीडिया, एंड उनसे हमें कुछ क्वेश्चन पूछने हैं. वील बी टॉकिंग टू द मीडिया सिटिंग इन ऑस्ट्रेलिया. यू डू इट आफ्टर दिस, आफ्टर दिस यू डू इट. मैम, मेलबर्न वाले कह रहे हैं हमने मतलब वीजा लगवा के आ जाते, जल्दी पहुंच जाते, बेचारे बड़ी देर से बैठे हैं, वो भी उनको भी पूछ लेते हैं. ऑलराइट, सो हाय टू द पीपल इन मेलबर्न, एंड यहां से क्वेश्चन आया है एक एजडे इंडिया जर्नलिस्ट टोनी सेठी एंड इंदिरा लेस्वाम, इन्होंने अक्षय सर आपके लिए सवाल पूछा है. अक्षय कुमार, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन अ प्रेजेंट डे बाबा एंड अ किंग ऑफ अ बायगॉन एरा? मतलब ये सवाल आपके दोनों किरदारों में क्या दोनों किरदारों में क्या सिमिलैरिटीज हैं सर? हाँ, कि आप वहां पे पुराने टाइम के राजा प्ले कर रहे हैं और फिल्म में एक नाई भी प्ले कर रहे हैं सर आज का, तो क्या सिमिलैरिटीज हैं दोनों में, ये जानना चाहते हैं. हाँ जी सर, एक क्या सवाल है सर, एक राजकुमार एक नाई में क्या सिमिलैरिटी है सर? मेरे हिसाब से दोनों इंसान है. तो बस यही है, यही सिमिलैरिटी, ये फिल्म के हिसाब से तो यही सिमिलैरिटी है कि एक के बाल नहीं थे और एक के बाल थे जो दूसरे में काट रहा था सबके. और जो इस जन्म में वो दूसरे के बाल काट रहा था उनको गंजा कर रहा था, खुद पिछले जन्म में गंजा. बहुत कंफ्यूजिंग है यार, मत पूछो. मैं खुद कंफ्यूज हो गया था इस स्क्रिप्ट के दौरान, स्क्रीन प्ले के दौरान. करीबन जब फिल्म देखी तो समझ में आया कि सब ठीक है. और क्योंकि जब ये सुबह सुबह 5 बजे आता था स्क्रिप्ट सुनाने, तो ये खुद परेशान रहता था. सो इट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग बट इट इज लविंग. आई मीन सेड, एक ये बताऊं कि इट इज गोइंग टू बी अ फर्स्ट वन ऑफ अ काइंड ऑफ अ फिल्म वेयर री इनकॉर्नेशन को आप एक हंसी के मजाक में और एक मतलब बहुत ही कॉमेडी, बहुत ही मस्ती वाली फिल्म है, बहुत ही मजाकिया वाली फिल्म है. और क्या. हाँ बिल्कुल सही कहा. और अब सवाल है कृति आपसे, कृति सनन आपसे. वेल ये पूछा गया है, व्हाट वर द हाइलाइट्स इन द मेकिंग ऑफ दिस फिल्म? ओह माय गॉड, आई थिंक द होल मेकिंग ऑफ द फिल्म वाज अ हाइलाइट. I think everything that we've all the fun that we've had each and every schedule, whether it was the London schedule जहाँ से हमने शुरुआत की थी, और जैसलमेर का जो एक schedule था वो बहुत ही मज़ेदार था. And the best thing was that there were so many people all together, eating together, having fun in between the shots, playing games, because this man never sits down or goes back to his vanity, and he has this habit of keeping everybody very energetic. We've had the best time, and as I said, it was a holiday jo hum kabhi nahi chahte the ki khatam ho, par ho gaya. Okay, agla sawal hai director sahab ke liye. Farhad sir, aapke liye sawal pucha gaya. We hear the budget of Houseful 4 is more than Bahubali, is it true?
सर ये मेलबर्न में बैठी मीडिया जानना चाह रही है सर, इसको कैसे मालूम है सर? ये सवाल ऑब्वियसली स्टूडियो को पूछा जाए, बिकॉज वही जो जैसे अक्षय सर ने इंट्रोड्यूस किया था द धनवान द फॉक्स, या सो आई थिंक सो दे आर अ बेटर पीपल टू जज। मैं तो अपनी रिक्वायरमेंट्स दे देता हूँ, बट इट्स अप टू देम एज टू हाउ। एक बात बता, कैसे हो सकता है जब 65 डेज में बनी हुई फिल्म को, कैसे हो सकता है यार? वो देखें सर, मेलबर्न जी आई जस्ट फील बिल्कुल नहीं, ये फिल्म हमने करीबन 65-70 डेज में बना दी थी, तो उसका बजट और इसका बजट जमीन आसमान का फर्क है। एंड मुझे लगता है हमने ये करीबन 80-85 करोड़ में बना ली ये फिल्म, एंड बाकी जितना कुछ और था जो लिया था फॉक्स से, वो बाकी मैंने निचोड़ लिया। यही है कि बिना अक्षय जी के बजट के ये बाहुबली से कम है। ओके, अगला सवाल रेडियो हांजी से है, और ये अगेन डायरेक्टर साहब के लिए है। फरहाद सर आपसे पूछना चाह रहे हैं, हाउ कैन दी री इनकार्नेशन सब्जेक्ट बी लाफेबल? दैट्स व्हाट यू हैव टू सी, बिकॉज यही तो चैलेंज था और यही तो मजा है कि हम वो नहीं देखिए, आजकल की फिल्मों में क्या हो गया है, वही फॉर्मूला चलता नहीं है, कुछ नया कॉन्सेप्ट, कुछ वैकी वियर्ड थॉट्स चलते हैं। एंड जब ये आइडिया आया था, बिकॉज आई हैव रिटन हाउसफुल 2, आई हैव रिटन हाउसफुल 3 एंड 4 भी जब हम लोग लिख रहे थे, तो ये जब जर्म आया, जब आइडिया आया, सो वी न्यू दैट ये सर क्या है ना, आज फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे से ज़्यादा अलग चीज़ चलती है, मैं वो मानता हूँ, और यहाँ पे ये अलग भी है, अच्छी भी है, एंड आई होप एंड प्रे एवरीवन लव्स द फिल्म। क्या बात है सर, वेल सेड। तो चलिए मेलबर्न, थैंक यू सो मच। वेल, आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ पे आ चुके हैं, लेट्स गेट बैक टू द मीडिया हियर, प्लीज यू कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चन। माइक भी लगा लो मुझे मैडम, आपको देख के माइक भी बंद हो गया, माइक की बोलती बंद हो गई, दूसरा माइक दे दीजिए प्लीज। रितेश तहखाना खोल दो। मेरे को लगता है इस फिल्म के बाद सब तेरे पास आने वाले हैं। अगर इंडिया को कोई चाहिए होगा वेपन सब तेरे पास ही आएगा। मेरा क्वेश्चन बॉबी जी से है, आपने कुछ टाइम पहले एक बहुत बड़ा ब्रेक लिया था और उसके बारे में आपने खुल के बात भी की है, तो जब आपने काम रिज्यूम कर लिया है वापस एंड आपको काफ़ी तारीफें भी मिल रही हैं, आपने पर्सनली क्या चेंजेस लाए हैं अपने आप में एज एन एक्टर आफ्टर यू रिज्यूम, लाइक हम कह सकते हैं बॉबी देओल 2.0, व्हाट चेंजेस हैव यू मेड? क्या कि मेरे साथ जो बैठा मेरा दोस्त अच्छे भैया, इसने जिंदगी में इतनी मेहनत की है, और मैं हमेशा सोचता था कि ये इसीलिए इतना सक्सेसफुल है, और बस मैंने अंदर बस एक बात को पैदा किया है कि मेहनत करो ज़्यादा और फिर लोग देखेंगे और काम मिलेगा। तो मैं बस यही कि आप सबको, यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ, पॉजिटिव सोचो, काम मिलता रहेगा, और इसीलिए मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे इस पॉजिटिव एटीट्यूड को देख के सब ने मुझे इस फिल्म के लिए चूज़ किया, and I'm very grateful for that, but end of the day, as Akshay said, luck really factors, but you have to do that 30% or 40% of hard work. If you don't do that, that luck doesn't matter then. Three cheers for Bobby. Sir. So, hi, yes, hello. Ek bachelor test होता है जिसमें कहते हैं कि एक फिल्म में दो एक्ट्रेसेस या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और उनको आपस में बात करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम मेन, एंड हम यूजुअली देखते हैं कि जब भी कॉमेडी मूवीज़ आती हैं तो एक्ट्रेसेस को उतना मतलब फुटेज नहीं मिलता है मूवी में, तो इस फिल्म में एज एक्ट्रेसेस आप अपने रोल के लिए क्या कहना चाहेंगी, बिकॉज आप तीनों ने ऐसे रोल्स चूज़ किए हैं हमेशा जिसमें एक्ट्रेस का मीटी रोल हो, जो हम कह सकते हैं। Well, I personally feel, to be very honest, that for me, the story and the script is the main king. And when I heard the story of Houseful 4, I fell down because it was so, so funny. Having said that, as an actor, aapko agar 5 scene bhi mile, aur wo scene kamal ke scene ho, to even that's enough. I don't think length is what that matters. Hi, excuse me. Hello. Hi, and I have a question for Akshay. Can we let the others answer, please? Sorry. And like I said, this is, you know, even it's Houseful, but we are like new age women. We're powerful women in this film. And I think that's the change that, you know, the series has made. And like,
I mean, kudos to Nadiad sir and the team for that, for actually showing, like, we are warriors. Like I said, we've been raised to be warriors. And I think that's what's the change that you're going to see in this film. Yeah. I think, like Kriti said, it's not the length of the character, but the character that really matters. And I think at the end of the day, if you're happy looking at yourself, doing a little something that you know you will enjoy, like they say, kai baar kuch, it's not about quantity, it's about quality. It's as simple as that. And Houseful 4 is quality and loads of it. Sajid sir, here, my question is for you. Just this morning, the trailer of the movie got leaked online, you know. I just want to know what do you want to say about that, because this is becoming very common these days with films also. So, this time the trailer also got leaked. Do you want to say anything about it? I don't know. The PR team is working on it. Aadha ek ghanta pehle, I think so, got a portion of it leaked. Eh? We didn't know also about it. You saw it? My question is for director and for Sajid Nadiarwala. Yeah, I'm here. Yeah. While watching the trailer, I observed there are stark similarities, you know, in some scenes, which are very similar to the ones shot in Bahubali. Like, wo ek actor ka teer chalane wala scene hai. Phir ek Rana, I think, wo get-up mein Rana hi the shayad. तो उनका एक सीन है. सो ये एक डेलिबरेट इंस्पिरेशन है या फिर आपने इसको एक्चुअली स्पूफ किया है कि बाहुबली के सीन का? देयर इज नो डेलिबरेट इंस्पिरेशन. आप राणा का भी देखो तो गेटअप वो है ही नहीं. जो आप राणा का गेटअप जो अगर देखोगे, ही इज प्लेइंग गामा कैरेक्टर. तो उसका जो गेटअप है, जो लुक है, एंड इफ यू जस्ट कंपेयर इट विद बाहुबलीज लुक राणा का, इट्स टोटली डिफरेंट. और वो उसमें लड़की का आई थिंक सो तीन तीर थे, इसमें चार है. तीर का जो खींचने का एंगल था वो भी इस फिल्म में बिल्कुल ज्यादा अलग था. तो आई थिंक उड़ गई थी. सक्सेसफुल फिल्म, वन कैन टेक यू नो इंस्पिरेशन फ्रॉम, दैट्स नॉट प्रॉब्लम. जाहिर सी बात है, लेकिन जब भी हम ऐतिहासिक, तो बाहुबली जो है उसने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है. चाहे आप इसमें कॉमेडी एंगल ले रहे हैं इतिहास का, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सेट कर दिया. सो व्हाइल राइटिंग अ फिल्म, यू थिंक यू हैव दैट इन माइंड एंड यू काइंड ऑफ कंसीव लाइक दैट? वी डोंट हैव इट इन माइंड, बट अगर वो हो रहा है कंपैरिजन तो हमारे लिए अच्छी बात है, बिकॉज हम लिखते हैं शोले जैसी कोई फिल्म लिखे, तो अगर बाहुबली जैसी भी अगर लग रही है कहीं कहीं तो इट्स गुड फॉर अस. Bilkul, with that, we'll be getting back to the media here. We have a few of the people sitting yes, in London. Hi, excuse me. Hi. Yes, hi, how are you? Okay, I have a question for Akshay. You have a question, ma'am? We'll have to wait. Thank okay, you, sir. Sure. You too. You're very sweet. Yeah. Yeah. That's, yeah. Hi. Amazing, yeah. Because the people in London have been waiting and they've been saying, let's ask a question over to the media in London. And yahan pe question hai Akshay sir ke liye. Well, sir, Lycra Radio jo hai, inhone pucha, the experience of shooting in London. How was the experience? Any interesting incidents? कोई story आपको याद आती है लंदन में शूट किया? मुझे लंदन में सिर्फ सब्सिडी याद आ रही है. नहीं. या. सर ये कुछ राज खोल रहे थे, कुछ बताना चाह रहे थे, कुछ कहना सर? लेकिन देखिए लंदन तो मतलब हर साल शूटिंग करने जाते हैं. और ये फिल्म बिल्कुल जब भी मतलब काफ़ी मैं चार पांच जो पहले की मेरी फिल्में काफ़ी सीरियस फिल्में कर ली है, तो जब भी मुझे वेकेशन लेना होता है तो मैं नाडियाड को बोलता हूँ चल एक हाउसफुल बनाते हैं. तो ये कहता है चलो बनाते हैं. तो फिर उस हिसाब से, और लंदन से बढ़िया जगह कौन सी, मतलब बहुत मज़ा आता है वहाँ शूटिंग करने में. और वहाँ जाके मतलब जो वेदर होता है, और ख़ास कर क्या होता है कि हम जून जुलाई में प्लान करते हैं क्योंकि यहाँ बारिश बहुत होती है, मुंबई में बारिश बहुत होती है, तो उधर बारिश उस वक्त होती नहीं है, गर्मी होती है, और उधर जाके फिर शूटिंग कर लेते हैं. साथ में सब्सिडी भी मिल जाती है. क्या तो बात है, सोने पे सुहागा वाली बातें रहती हैं. तो बहुत अच्छी बात रहती है वहाँ. सर वैसे अभी आपने ये यहाँ जो पॉइंट उठाया, यही सवाल दुबई में बैठी मीडिया ने आपसे पूछा है. आपने भी जो बोला, उन्होंने कहा अक्षय यू हैव सीमेंटेड योर पोजिशन एज एन एक्टर who has taken up social causes in movies like Padman, Toilet Ek Prem Katha and Mission Mangal. Houseful, on the other hand, is an out-and-out entertainer. You know, what made you get back to this genre?
Because I like this genre. I want to, I mean, I've given the answer, I wanted to take a holiday. I wanted to ask, just to, you know, dimag ko kholna bhi padta hai ki ekdam befikr hoke ek character ke andar ghus jao aur jaisa script likha hai usse bhi aage badh jao. Matlab kai baar hota hai ki maine dekha hai ki director bolta hai cut. I want you to ham more. thoda aur ham karo. Aur zor se karo. So you just go crazy about it. And it is a slapstick comedy. I want to bring this notice that ki jo slapstick comedy hoti hai, हमारे यहाँ ज़्यादा उसकी कदर नहीं की जाती है लेकिन I think one of the most difficult genre to play on screen and आप तो मनीष जानते हैं आप इतनी कॉमेडी होस्टिंग करते हैं इतनी कॉमेडी फिल्मों में काम भी कर चुके हैं so it is very difficult it is very 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 difficult to make people laugh and अगर आपका पंचलाइन कितना भी अच्छा लिखा हो अगर आप सही तरीके से बोले ना तो वो मुंह के बल आके गिरता है बिल्कुल एंड ये पूरी टीम जो यहाँ पे बैठी है इनको मैं चाहूंगा पहले तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं मैं बताऊंगा क्यों ये तालियां इसलिए हैं बिकॉज बहुत रेयर है बॉलीवुड में कि फ्रेंचाइज जो है वो चौथे तक पहुंच गई है सो आई थिंक दैट इज रियली कमेंडेबल तो आई थिंक वो ऐसी क्या बात थी कि आपको लगा कि हाँ यार इसकी जो सक्सेस है बिल्कुल ये बढ़ती जाएगी और चौथी भी बना दी गई हाउसफुल 4 ये दुबई में मीडिया ने आपसे पूछा है सर 200 करोड़ छोटा ही सोचना 400 सोच के बैठे हम कमा कर चौथी क्यों बनी तो इसका जवाब तू देना एक तो एक अक्षय को हॉलीडे चाहिए था दूसरी थर्ड बहुत बड़ी हिट थी ये फ्रेंचाइज अपने आप बनती नहीं है ये बनाते हैं ऑडियंस क्या बात है एवरी फ्रेंचाइज इंक्रीजेस इज डिसाइडेड बाय द ऑडियंस एंड आई थिंक We pray that you all like the fourth one, so we go for the fifth. और और ये बात तय है कि ये सबसे expensive holiday है. Well, okay. Anybody here with a question now? पीछे पीछे सर ने बोला पीछे से कौन सवाल पूछना चाहेगा? पीछे दो या दो सवाल पूछ लो भैया. कोई पीछे माइक दे दो. पीछे से सवाल पूछे. किधर बेटा माइक भी ले लो. पीछे चले गए. किधर गए? माइक नहीं चल रहा बोलो तुम्हारे फेफड़े बड़े हैं वैसे जोर से बोल दो हेलो अच्छे से नहीं है हेलो हाँ हेलो सुन ली क्वेश्चन पूछो हेलो अच्छे सर आई एम फ्रॉम कुर्डुवाड़ी सोलापुर से पास छोटा सा गाँव है वहां पर हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं मूवी सेलिब्रेट करते हैं मराठी मराठी सर आप लोग सोलापुर है सोलापुर हेलो सर हेलो सर आप लोग सोलापुर गाँव है माझ्या सोबत आपचे सोलापूरचे पण ग्रुपचे आहेत सुरेश जगलकर हॅलो सुरेश सुरेश कुठे आणि सर मी कुर्डुवाडी आहे तुम्हाला भेटलो होतो मागा 21 तारखेला भेटलो होतो आपण सगळेजण तेव्हा तुम्हाला सांगितलं की सेल्फ डिफेन्सचं पण आम्ही केलं होतं वाढदिवसाला आणि आत्ता सुरेश जे आहेत सोलापूरचे त्यांनी पण ब्लड डोनेशन केलं होतं 101 ब्लड डोनेशन केलं होतं सर एक रिक्वेस्ट आहे सर प्लीज एकदा गळाभेटी करून घ्या प्लीज काय झालं माझी गळाभेट असतो मला सर प्लीज हो थांब आता करूया ते नक्की करूया पण मी मी सगळ्या मीडियाला हे सांगायला पाहिजे मला आय जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो अबाउट माय फॅन्स माय पीपल देअर हु देअर आय मस्ट टेल यू नो अँड इट इज नॉट इट इज जस्ट नॉट बिकॉज दे आर देअर आय मस्ट टेल यू कि मेरा बर्थडे हो या कोई भी फिल्म हो कभी भी हो ये इतने अच्छे अच्छे कार्य करते हैं ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं दे पुट सो मेनी ट्रीज दे डू सेल्फ डिफेंस कैंप करते हैं and so many things which I keep on looking at and I'm very very thankful to you guys sir, thank sir, you very much aur me ye to gao gao logo jaiye sir ye 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 lokar ye dhavat ye and sir camera khali nako karu akshay sir lokar akshay sir ha sir ajun last question sir akshay sir last question aaye ye sir akshay sir ha lokar ye ek minute sir chala 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 aata last are hale hale सर अक्षय सर चल चल सर थैंक यू वेरी मच ओके थैंक यू अक्षय सर हाँ बोलिए मैं अकोला आलेलो अकोला के सर्वे आई
अक्षय कुमार सर हे भारतरत्न आहेत आणि भारतरत्न त्यांना भेटणार. आणि मी असं समजतो की अक्षय कुमार जे सोशल वर्क करतात ते बाकीचे इंडस्ट्रीवाले का करत नाही. अक्षय कुमार जे डोनेट करतात, जे दानशूर आहेत, भारतरत्न आहेत, त्यांना बाकी हिरो लोक, बाकी अभिनेता लोक हे बघा ते असं काही नाहीये. नाही सर, सगळे सगळे करतात. तुम्ही भारत माहित नाही सर. मला माहिती आहे की मी इंडस्ट्रीमध्ये, म्हणून मी आपल्याला सांगतो. सांगा हे सगळे सगळे काय करतात सगळे, चाहे हो सलमान हो. नाही सर, बाकी कोणाबद्दल मी सांगतो ना भाऊ. सांगा, हे माझा माझा इंटरव्ह्यू आहे. मला सांगायला पाहिजे. तुम्ही मला प्रश्न विचारलं, मी तुला उत्तर देतो भाऊ. मला सगळं माहिती आहे. मला माहित असतं कोण कुठे जातो, काय करतो. इंडस्ट्रीमध्ये एवढीशी इंडस्ट्री आहे भाऊ, बरं का. आणि असं काही नाही आमची इंडस्ट्री. कुछ भी हिंदुस्तान में कोई भी किस्म की प्रॉब्लम होती है, वी ऑल गेट टुगेदर एंड वी ऑल वर्क ऑन इट. एंड थैंक यू वेरी मच एवरी वन. ओके, वी कम बैक टू हेयर टू मीडिया. आई थिंक सर वी आर रेडी फॉर द फोटो ऑप. एंड आई थिंक मीडिया वी आर रेडी फॉर द फोटो ऑप.